ऐसे है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों के सामने एक ना पेपर में एक पैरा आएगा, 8-10 लाइनों का या 5 से ज़्यादा ही होंगी, 7-8 लाइनें या 10 लाइनें होंगी। तो वो पैरा क्या होगा, उस पैरे में पहले तो सबसे पहले आपने उस पैरे को किसी भी वो फील्ड से, हो सकता है जो करंट आप लोगों के न्यूज़पेपर्स होते हैं इंग्लिश के, वहाँ से भी वो कुछ उठा सकता है, कोई उसका ऑडिटोरियल होगा या वो कोई आपकी किसी बुक में से उठा सकता है इंग्लिश का एक पैरा, जो FSC या मैट्रिक की बुक्स होती हैं, तो या वो किसी वेबसाइट से उठा सकता है, तो उसकी मर्जी है। वो थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी होगी, मतलब बिल्कुल ईजी तो नहीं होगा बच्चों जैसा, थोड़ी सी हाई लेवल की इंग्लिश होगी। तो उसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, आपने उसको पहले स्टडी करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करके उसको देखना है, एक दो बार रीड करना है आपको, उसकी समझ आए, और डीपली स्टडी करना है। जब उसको स्टडी कर लेंगे, फिर उसके नीचे कुछ 4-5 उसने क्वेश्चंस दिए होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो उनके फिर आगे ऑप्शन बने होंगे, और हर में से आप लोगों ने उसका जो है वो आंसर देना होगा। तो आंसर जो है वो बड़ा ध्यान से उसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर ही हमें उसका पता चलेगा। और ये कुछ कॉमन बातें उसने लिखी हैं स्टार्ट में, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये अभी हम पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। इंस्ट्रक्शंस ही दी हैं कि किस तरह से आप पहले पैरे को पढ़ेंगे और पैरे को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिख रहा है। ये उसने चंद कॉमन रीडिंग की प्रॉब्लम्स दी हैं। प्रॉब्लम ये मैं एक दो बोल देता हूँ, यू आर स्लो रीडर्स हु कैन नॉट फिनिश इन टाइम। उसने लिखा है कि ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो स्लो रीडर होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है और टाइम वेस्ट होता है इससे। तो उसने फिर आगे सोल्यूशन लिखा कि फोकस ऑन मेन आइडियाज एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ डिटेल्स, कि आप मेन मेन जो आइडियाज है ना उनको माइंड में रखें, बजाय कि आप पूरे पैरे को आप जहन में रटाने बैठ जाएं, आप मेन मेन जो आइडियाज हैं उनको जहन में रखें। देन यू कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज यू फील दैट आइडियाज आर स्कैटर्ड एंड टर्मिनोलॉजीज यूज इन द पैसेज आर अनफेमिलियर टू यू। कि समटाइम होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने बैठता है उसको समझ नहीं आ रही होती जो लिखा होता है, टर्मिनोलॉजीज आइडियाज वो उसके माइंड मतलब उसके लेवल से ऊपर की होती हैं, तो उसको ये भी मसला आ रहा होता है। सोल्यूशन क्या है, उसने लिखा है आस्क योर सेल्फ वाई द राइटर हैज रिटन हिज दिस पैसेज, डायलॉग विद द राइटर ईच आइडिया गिवन इन द पैसेज, मतलब आप समझने की कोशिश करें कि ये राइटर है ये इसने क्यों लिखा है, थोड़ा सा उसमें इस चीज को फोकस करें और उसमें वो क्या आइडिया देना चाह रहा है। ये भी जस्ट ये पढ़ने की बातें ही हैं। तो हम एक पैरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बुक में से, इसको पढ़ के देखते हैं कि ये किस तरह। सर, जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप पहले सवाल देख लें, उसके बाद फिर पैरा देख के जल्दी जल्दी जवाब लगा लें। नहीं ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया ना कि पहले सवाल देख लें, जब तक आपको, आप चाहे सवाल देख भी लेना, अगर आपको आपने पैरा नहीं पढ़ा ना तो आपको सवालों का नहीं पता चलना, आंसर्स नहीं मिलने। ये इस तरह नहीं होता, ये तो मैट्रिक बेस पे होता है कि सीधा सीधा पैरा लिखा है और उसमें ही उसका आंसर लिखा है, मतलब डायरेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा घुमा के और ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से भी पूछ सकता है, वो पैरे पे डिपेंड करता है। अगर पैरा बिल्कुल ईजी आया, बच्चों वाला आया, तो फिर आप चाहे वो पहले क्वेश्चन भी रीड कर लें, लेकिन इतना ईजी मतलब बच्चों वाला नहीं होता। थोड़ा सा अभी एक तो पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। पैरा मैं पढ़ लेता हूँ, एक हम दो तीन पैरे पढ़ लेंगे बस, क्योंकि इसमें ये आप लोगों ने इसको 2-3-4-5 पैरे पढ़ लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए वो किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है और किस तरह से हमने पैरे को होता है, क्योंकि लाजमी नहीं जो आपने पैरा पढ़ा है वो ही आएगा, वो तो कहीं से भी दे सकता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर पावर इज इंट अ गुड आंसर टू आर नीड टू गेट लूज फ्रॉम आर मिडल ईस्ट ऑयल डिपेंडेंसी। वो कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर पावर है ये गुड अच्छा आंसर नहीं है, कि हम जो है वो मिडल ईस्ट में जो अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दें, मतलब कि दुनिया जो है वह इंस्टेड ऑफ के पहले जो है वो ऑयल से जो बिजली वगैरह बनती है वो कम कर दे, और जैसे आजकल है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो मालिक होते हैं न्यूक्लियर पावर बनते हैं ना, सबसे पहले ये बोलते हैं कि जी हमने जो हम बना रहे हैं अपना रिएक्टर या हम जो मिसाइल बना रहे हैं ये हम जस्ट ना अपनी एनर्जी के रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए बना रहे हैं, तो ये उनका बहाना होता है। तो हालांकि जो है वो आगे बताएगा क्या चीज़ है, हालांकि जो ऑयल है उससे भी
बिजली बनती है, पानी से भी बनती है, लेकिन ये लोग ममालिक बहाना बना के कंट्रीज जो है वो इस चीज़ में आते हैं, यूरेनियम को आगे की करते हैं, तो जिससे क्या कह रहे थे हम बिजली बना रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, फॉर ऑल इट्स क्रोम प्लेटेड प्रॉमिस न्यूक्लियर पावर हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस एंड द वर्ल्ड्स इज येट टू कम। मतलब वो कह रहा है कि इस सब के बावजूद जो है वो न्यूक्लियर पावर्स को बहुत जो है वो बुरे असरात देखने पड़ते हैं, और इसके और भी असरात आगे फ्यूचर में आएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर नाउ फेसिंग अ चैलेंज दैट देयर डिजाइनर्स नेवर एंटिसिपेटेड। अब वो न्यूक्लियर पावर के जो है ना वो न्यूक्लियर या एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो उनके नुकसान बताना शुरू कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नुकसान और चैलेंजेस हैं कि जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आगे इस तरह के हमें चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर दे शुड हैव व्हाट टू डू विद द पावर प्लांट्स आफ्टर द यूजफुल लाइव्स आर ओवर। मतलब वो कह रहा है कि शायद ये उनको तभी पता चलेगा जब उनकी जो है वो जिंदगियाँ फ़ायदेमंद वो ख़त्म हो चुकी होंगी, तो पहले तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अब इसके इतने नुकसान हैं कि मे बी अब ये मरने के बाद ही पता चले। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लास्ट 30 ईयर्स आर लेस, आफ्टर 30 ईयर्स रिएक्टर्स प्रेशर वेसल बिकम ब्रिटल। साल तक जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो ठीक रहता है, उसके बाद जो उसकी दीवारें होती हैं जो उन्होंने बनाई होती हैं मोटी मोटी, वो कह रहा है कि वो एंड सब्जेक्ट ब्रेकेज वो फटना शुरू हो जाती हैं सिंपली अगर बॉम्बमेंट बाय न्यूक्लियर पार्टिकल्स, चूँकि वो बड़े न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब्स होते हैं जाहिर है वो बहुत हैवी एनर्जी होती है, फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं फ्यूजन रिएक्शन, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं दीवारों के साथ लगते हैं इससे वो फटना शुरू हो जाती है। एडिशन आफ्टर 30 इयर्स और सो द रेडियो एक्टिविटी इन पाइप्स एंड वॉल्व्स हैड एक्युमुलेटेड टू अ पॉइंट वेयर मेंटेनेंस वर्कर्स आर रिसीविंग अनएक्सेप्टेबल डोजेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी वो कह रहा है कि 30 इयर्स से ज़्यादा जो है आप एक लेवल ऐसा आता है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो छुआएँ हैं वो फेस करना पड़ती हैं। एक से मेंटेनेंस एक्सपेंसिव कह रहा है कि चूंकि वे इसके नुकसान होते हैं तो वर्कर्स बदलने पड़ते हैं, थोड़े टाइम के लिए एक वर्कर जाता है फिर दोबारा दूसरे आते हैं, तो इसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है और वर्कर्स बड़े चाहिए होते हैं जो कि बड़ा खर्चा आता है उसको। क्या किसी को आवाज नहीं आ रही? जी सर आवाज का इशू है। फिलहाल में तो ठीक होनी चाहिए, बाकी लोगों को आ रही है? प्लांट्स कैन नॉट सिंपली बी अबंडेंड और डिमोलिश्ड विद द रैक बॉल रैकिंग बॉल। अब वो कह रहा है कि सिंपली इनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता जल्दी, दे आर फुल ऑफ रेडियोएक्टिविटी ऑल ऑफ विच मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम लिविंग। रेडियोएक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, हैवी छुआएँ या एनर्जी जिसको लिविंग थिंग दूर रखना चाहिए। मच ऑफ द रेडियोएक्टिविटी डिकेज विद इन 50 इयर्स बट 3 मिलियन ईयर मस्ट बिफोर अ न्यूक्लियर प्लांट बिकम्स नो मोर रेडियोएक्टिव। वैसे तो कह रहा है कि 50 सालों में इसके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सेंचुरीज लग जाती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसके खत्म होने में देन द ओरिजिनल विलियम दैट इनिशियली क्रिएटेड। तो इस सारे पैरे में उसने ये शुरू में ऑयल की थोड़ी सी बात की थी कि ऑयल जो है वो बेटर है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी बनती है, बाद में फिर उसने आगे इसके ये माइक ऑफ कर दिए आवाज कम है। अभी ये म्यूट ही रहने दें काइंडली। चले तो अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि वो आगे किस तरह के उसने क्वेश्चंस किए हैं। ये ज़रा लेंथी पैरा है, इतना लेंथी वैसे नहीं आएगा, ये तो जस्ट हम पढ़ रहे हैं, एक पहला पैरा पढ़ रहे हैं, आगे हम शॉर्ट पढ़ लेंगे। उसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं,
वट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर। ये अक्सर पैरे में यही जो है पैरे के बाद पैसेज के बाद इस तरह का आंसर ही पूछेगा कि भाई पैरे में जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मेन थीम क्या है। तो आगे उसने ऑप्शन दिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो उसने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अच्छा नहीं है रिप्लेसमेंट, इससे अच्छा जो पेट्रोलियम एनर्जी है मतलब वो बेटर है, उससे जो एनर्जी बनती है। फिर उसने बोला है न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ हैज़र्डस वर्क फॉर मैनकाइंड। ये मेन आइडिया तो नहीं है, ये तो बस एक बात है। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ कॉस्टलियर देन एनी अदर एनर्जी सोर्स, ये भी एक जनरल बात है, मतलब वो एक मेन बात नहीं है जो कहना चाह रहा है। द लाइफ ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट इज टू शॉर्ट, ये भी वैसी बात है। द वर्क इन न्यूक्लियर प्लांट इज लाइफ थ्रेटनिंग जॉब। अच्छा आप लोग बताएं इसमें से क्या क्या वो एक्चुअली में कहना चाह रहा होगा। ये चार पांच ऑप्शंस हैं, मेन आइडिया क्या हो सकता है इस पैरे में। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, कोई कमेंट करें तो कि क्या वो कहना चाह रहा होगा, इसका मेन जो थीम है वो क्या हो सकता है पैरे का। जब कोई एक बंदा माइक ऑन करके बताना चाहे तो। अच्छा ये सारा ने हैंड रेज किया है जी, सारा आप माइक ऑन करके बता दें। चलिए मैं सारा का माइक खुद ऑन कर देता हूँ। सारा चलिए सारा आप बताएं ये क्या हो सकता है। जी बोले अब बता दें। सर ए या डी हो सकता है। अच्छा ए एंड डी हो सकता है। अच्छा डी क्या है, द लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट इज टू शॉर्ट। आप क्या समझते हैं कि वो ये कहना चाह रहा होगा कि न्यूक्लियर प्लांट की लाइफ जो शॉर्ट होती है बस। हालांकि उसने तो स्टार्ट में और एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि जो न्यूक्लियर जो है वो पेट्रोलियम जो है उससे एनर्जी बनती है और न्यूक्लियर की जो है वो उसके नुकसान ही नुकसान है। तो क्या ख्याल है कि ये ऑप्शन लाइबा रेज एंड। हाँ लाइबा आप बताएं, डी है सी है बी है ए है। सर इसका आंसर ए है, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम वाला। अच्छा हो गया, ये आपने कैसे आइडिया लगाया। उस शुरू में ये बात की जा रही थी is the best response। बिल्कुल आपने सही बोला है, जो इसका आंसर है ना ये बिल्कुल यही है। ये बाकी जो बातें हैं ना वो बहुत वैल्यू वाली नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। जो उसने बात देखी है ना मतलब उससे हमें आइडिया लगाना चाहिए कि वो कहना यही चाह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, ये इसका जो मेन है। बाकी जो है वो जनरल आगे जो है वो उसके वो फायदे नुकसान उसने बताए हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है। तो ये लाइव अच्छा चलती है। अब आगे हम माइक ऑफ कर लें। चलिए हम आगे इसको देखते हैं, जो सेकंड है वह ऑथर इंडिकेशन अबाउट द एक्चुअल threat that nuclear power plant offers can be best described by which of the following statements? The author indication about the actual threat that a nuclear power plant offers. उसने कहा कि जो author की indication है ना एक वो कि best जो actual threat nuclear power plant से हमें हो सकता है can be best described by which of the following statement? इनमें से कौन सी statement जो है वो ये शो कर रही है। माइक ऑफ रखें काइंडली। कौन सी वो स्टेटमेंट है जो ये बेस्ट शो कर रही है कि हमें थ्रेट जो है वो एक्चुअल थ्रेट है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इसमें ऑप्शन है द लाइफ ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज अबाउट 30 years। अच्छा इससे तो हमें कोई थ्रेट नहीं हो सकता, पहला ही ऑप्शन जो है वो तो उसने जनरल इंफॉर्मेशन दी है।
रेडिएशन लीकेज कैन नॉट प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. रेडिएशन लीकेज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जो है वो रेडिएशन निकलती हैं लीकेज, उनको रोका नहीं जा सकता पावर प्लांट से. ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अभी भी हम आगे बढ़ते हैं. द रेडिएशन पोल्यूटेड बाय डिमोलिश्ड न्यूक्लियर प्लांट लास्ट फॉर सेंचुरीज. ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. रेडिएशन जो है पोल्यूशन, वो जो डिमोलिश न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलती है, तो वो कई सदियों तक, उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स की भी बात की थी. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्रेट है हमारे लिए भाई. ये सोचने की बात है कि ये तो सदियों तक जो है इसके नुकसान हो सकते हैं. तो ये जिन्होंने बनाया उन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई, उन्होंने तो देखा देखी बना लिए एक दूसरे को दिखाने के लिए. द वर्कर्स, आगे ऑप्शन जो है, द वर्कर्स इन अ न्यूक्लियर प्लांट आर नॉट सेफ फ्रॉम द रेडिएशन. अच्छा, ये तो एक इंडिविजुअल थ्रेट है जो वर्कर्स हैं उनके लिए, कि जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं वो सेफ नहीं होते रेडिएशन से, जाहिर है. लेकिन मेन जो बात है वो ये नहीं है. रेडियो एक्टिविटी जनरेट्स हीट दैट इज अ लॉन्ग टर्म हैजर्डियस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी. ये भी उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे हीट जो है वो निकलती है, जो लॉन्ग टर्म हैजर्डियस होती है, नुकसानदेह होती है. अब इनमें से बताएं कि इनमें से कौन सा हो सकता है, कोई बंदा हैंड रेज करे तो. इनमें से कोई बंदा बताए. अब इनको स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे. द लाइफ ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज अबाउट 30 इयर्स. द रेडिएशन को मेन जो थ्रेट ह्यूमन को हो सकता है ना, कौन सा पॉइंट है जो मेन उस चीज को शो कर रहा है? कौन सा बन रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सी बन रहा है. रेडिएशन पोल्यूशन बाय डिमोलिश्ड न्यूक्लियर प्लांट्स लास्ट फॉर सेंचुरीज. हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सोचने की कि ये तो सदियों लग जाएंगी इनके जो असरात हैं उनको ख़त्म होने में. तो ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं जिन्होंने बनाया है भाई. ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है. और इसका आप लोगों को पता होगा, जब ये छोटा सा बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, दो बॉम्ब गिरे थे, एटम बॉम्ब थे, हालांकि वो छोटे छोटे थे बिल्कुल, आजकल तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा. इसी इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, बिल्कुल यही है. तो आजकल जो है वो तो बड़े हैवी किस्म के बन गए, और अल्लाह ना करे कोई किसी पे फेंक दे तो सदियों जो है वो उसके असरात ही नहीं जाएंगे. और दो मुल्कों की जंग जो है वो पूरी दुनिया पे इतनी ज़्यादा अफेक्ट करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते. तो हम लोग तो एक्साइटमेंट में कह देते हैं कि जी हम इंडिया से जंग कर लें, हमने तो एटम बम फेंक देना, ये वो. तो ये चीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस है. ये इसके जो फैक्ट्स हैं ना वो पूरी दुनिया पे होते हैं भी, एटॉमिक जो वार होती है. चलें जी आगे. फिर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. कौन सी जो बात है इनमें से वो हम सही जो है वो ठीक मान सकते हैं, अखज कर सकते हैं. न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज एन अनअट्रैक्टिव करियर. जो बात हमारे काम की हो, मतलब एक इंडिविजुअल के तौर पे हमें, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं खुद सोचें इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है. न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पैसेज में से जो है वो कैन बी बेस्ट इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अखज की जा सकती है. न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज एन अनअट्रैक्टिव करियर. न्यूक्लियर एनर्जी इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पुअर कंट्रीज मस्ट अक्वायर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स. ये तो भाई ये तो गलत है बिल्कुल, ये तो उल्ट बात कर दी उसने जो पहले में कही थी. उधर से नुकसान बताए थे और अब वो कह रहा है कि जी चीप है और मुल्कों को लेनी चाहिए. नहीं भाई बिल्कुल, ये भी तो भी काटते हैं. अबेंडेंट पावर्स मस्ट प्लांट्स अबेंडेंट पावर प्लांट्स शुड सेफली बी बोर्ड to ground under deep sea so that it should not cause radiation pollution. और ये कौन करेगा इसको अब इस तरह, ये भी under deep sea. Nuclear plants should be banned throughout the world. The author is in favor that advanced countries capture Middle East of the resources. चलें इसमें वो ऑप्शन ए जो है वो है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज एन अनअट्रैक्टिव करियर. मतलब वो पैरा पढ़ के हमें आइडिया हो गया है, कोई भी बंदा है वो ये सोचेगा कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है वो
एक अच्छा कैरियर नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब आगे इसमें और भी एक आधा क्वेश्चन होगा तो हम इसको छोड़ के हम आगे नेक्स्ट एक और पैरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया समझे हमारा। ये एक हम पढ़ लेते हैं, ये छोटा सा पैरा है ये, और इसके क्वेश्चन भी थोड़े हैं। ये उसमें बोल रहा है, बिसाइड्स मैनी अदर फैक्टर्स द नेशंस हेल्थ सिस्टम रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ न्यू ब्लड फ्रॉम डोनर्स टू रिप्लेनिश इट्स स्टॉक पाइल्स। कह रहा है कि जो हेल्थ सिस्टम है, बहुत से इसके जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं, उनके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि इसमें किसी भी जो है कंट्री के हेल्थ सिस्टम में उसको सप्लाई ऑफ जो न्यू ब्लड होती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यू ब्लड चाहिए होती है ताकि उसके जो जखायर हैं वो भरे रहें। स्टोरिंग ब्लड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इज अ डेलिकेट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मोर एवर मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट द स्टोर्ड ब्लड इज अनरिलायबल। तो वो कह रहा है कि जो स्टोर करना है उसको, एक तो वो महंगा भी है और डॉक्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि एक अच्छा ब्लड जो है उसकी क्वालिटी पे, क्वालिटी जो है वो इससे इफेक्ट पड़ता है, अनरिलायबल है ये डॉक्टर्स की तरफ से। व्हेन स्टोर्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा एंड न्यूट्रिटिव डेक्सट्रोज अ शुगर फ्रेश रेड ब्लड सेल्स कैन सर्वाइव एंड रिमेन वायबल फॉर ट्रांसफ्यूजन फॉर ओनली 6 वीक्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड। कह रहा है कि जब उसको स्टोर करते हैं तो उसकी जो एक शुगर होती है वो और फ्रेश ब्लड रेड सेल्स जो हैं वो सर्वाइव या वायबल नहीं रह सकते, वो ओनली 6 मंथ्स के लिए रह सकते हैं, ओनली 6 वीक्स के लिए। तो ये इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए, ये अपनी वीडियो बंद रखें, लॉन्ग पीरियड के लिए ये एक अच्छा तरीका नहीं है इसको। अब वो कह रहा है क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये इसने ब्लड जो है ना, नेशन की ब्लड की इम्पोर्टेंस पे यहाँ पे बताया है कि जो जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो फ्रेश ब्लड जो है ना वो किसी भी कंट्री की जो है हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तो उसको स्टोर कर नहीं सकते ब्लड को, तो साथ साथ जो है फ्रेश वो अगर लोग डोनेट करते रहें तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, ये उसने बात की है बस। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्लोजेस्ट टू द ऑथर्स अपील। कौन सी जो बात है वो बिल्कुल क्लोज है जो ऑथर ने अपील किया है उसके, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड, रिसर्च इज इनविजिबल टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड डोनेशन शुड बी प्रमोटेड टू द पब्लिक फॉर कंटिन्यूअल रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक पाइल्स। ये बात ठीक लग रही है सी जो है, ब्लड डोनेशन शुड बी प्रमोटेड टू द पब्लिक फॉर द कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक पाइल्स। देर मस्ट बी नेटवर्क ऑफ डोनर सो दैट इन केस ऑफ क्राइसिस दे आर कॉल्ड फॉर डोनेशन। एक्सटेंसिव रिसर्च, रिसर्च की बात ही नहीं की उसने, ये ऑप्शन बी और ई जो है ये तो वैसे ही नहीं होने, और नेटवर्क ऑफ डोनर्स क्राइसिस में कॉल डोनेशन, ये भी ठीक नहीं है। रिसर्च इज इनविटेबल टू फाइंड यू, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज तो करनी ही नहीं है। ऑप्शन जो सी है ना वही ठीक लग रहा है, ब्लड डोनेशन शुड बी प्रमोटेड टू द पब्लिक फॉर द कंटिन्यूअल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक पाइल, वही उसने बात की थी, ये ऑप्शन सी ही उसने बेस्ट बताया जी। ये किसी ने हैंड रेज किया है, जी लाइबा, ये लाइबा आप बताएं आप कुछ कहना चाह रही हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर वन जो था, चलें जी इसमें क्वेश्चन ही एक ही था, ये समझाने के लिए जस्ट था। तो या देख लेते हैं आगे भी है, नहीं यही था। ये जो पैरा है ये भी, और यहाँ भी गिवन है पैराज, और मैं आप लोगों के एक और जगह बताता हूँ वहाँ पे भी पैराज जो हैं वो काफ़ी पैरे
कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बड़ी अच्छी दी हुई है, ये दो पैरे जो है हमने पढ़े हैं, या आप शॉर्ट पैराज यहाँ से पढ़ सकते हैं, लॉन्ग भी पढ़ सकते हैं, आप लोग अपनी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ये कहीं से भी वो उठा के दे सकता है, किसी न्यूज़पेपर का जो ऑडिटोरियल है इंग्लिश न्यूज़पेपर से डॉन वगैरह है वहाँ से भी वो दे सकता है आपकी, किसी FSC की बुक से भी दे सकता है आपको, जस्ट उसका आइडिया तरीका आना चाहिए, पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जी आप यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपकी जितने भी सिनोनिम एंटोनिम भी आप लोगों ने किए हैं, जो भी किया है एनालॉगी किया है या हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, ये सारा डाटा इसमें दिया होता है, और इसमें टेस्ट सेक्शंस भी बने होते हैं, आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। और ये वेबसाइट का नाम है इंडिया बिक्स, INDIABIX, इंडिया बिक्स, ये बड़ी बहुत अच्छी है ये, मतलब इस तरह के जो टेस्ट है ना उनके लिए, ये है इंडिया की, लेकिन ये चीज़ें सेम ही होती हैं, जितनी भी आप लोगों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, और ये एनालॉगी होती है, वर्बल नॉन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इसमें ये सेक्शंस बना के उसने, ये कॉम्प्रिहेंशन का भी एक सेक्शन है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने नीचे एक पैरा दिया है, उसके ऑप्शंस पूछे, फिर उसने नीचे आंसर भी दिया है हर का, और वो डिस्कस भी किया होता है, आप लोग कर भी सकते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, आप लोग लाजमी यहाँ से जो भी मैंने आपको बताया है वो सारा यहाँ से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस किया करें इसकी, और इसके टेस्ट भी बने हुए हैं, आप लोग यहाँ से टेस्ट दें, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं और टेस्ट देने की, ये किसी ने हैंड रेज किया है जी। सर, मैंने ये पूछना था कि आप थोड़ा सब्जेक्ट्स के पोर्शंस का भी करवा दें और मैथ का, मतलब शुरू शुरू करें, मतलब इंग्लिश ठीक है और सब्जेक्ट के पोर्शंस इतने मुश्किल होते हैं, वो किस तरह के उसमें सवाल आने, थोड़ा यही आइडिया दें ताकि हम अपनी तैयारी शुरू कर लें थोड़ी। देखें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट आप लोगों के पेपर्स में कैसे MCQs आते हैं मुझे ये बताएं, आप लोगों ने FSC के पेपर्स दिए हैं तो वहां पे कैसे MCQs थे? सर जो नॉर्मल होते हैं कॉन्सेप्ट पे। नॉर्मल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेम वैसे ही MCQs होंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा कि इनके कोई उल्ट स्टार्ट किया हो और उनका कुछ गलत लिखा हो, उल्ट लिखा हो, बिल्कुल वही क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली आप लोगों के जो पास पेपर्स हैं उनमें से ही मे बी रिपीट हो जाएंगे, आप लोगों के जो एंड पे MCQs बने होते हैं बुक्स के वो, क्योंकि इसमें से हर चीज़ के उसने पोर्शन बना के, अब 10-10 हैं तो उसमें से पाँच पाँच फर्स्ट ईयर, पाँच सेकेंड ईयर, इतने ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, वो कहाँ से लेगा आप, मैं आप लोगों को नोट्स जो अपने से बना के दे दूँ या किसी से ले के दे दूँ कि ये कर लें वो कर लें, उससे बेहतर नहीं कि आप लोग अपने पास पेपर्स और आप लोग जो MCQs होते हैं बुक्स के एंड पे। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यहाँ पे ना जो MCQs आने हैं सब्जेक्ट्स के, या वो शायद कुछ अलग तरह के होंगे, बिल्कुल वो आप लोगों के पेपर जो आप लोग FSC में दे चुके हैं।